चलो बच्चा, अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो डिबेंचर रिडेम्पशन का एक नया पॉइंट, जिसमें हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चा अभी ये जो पॉइंट है इसमें हम अपने ही डिबेंचर ओपन मार्केट में परचेज करेंगे और बाद में क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे सपोज। तो इसमें दो पोजीशन हो सकता है कि सपोज एक पोजीशन ऐसा है कि समझ लो कि हमारी जो फेस वैल्यू है डिबेंचर की 100 और हम परचेज कर रहे हैं 98 में, तो प्रॉफिट होगा। और दूसरी एक सिचुएशन है 100 का शेयर है लेकिन हम प्राइस जो है परचेज कर रहे हैं 120 में, तो आप बोलोगे सर इसमें हमारा लॉस होगा। इसकी जनरल एंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो पहले समझ लेते हैं बच्चा। ये लेक्चर में हम सिर्फ जनरल एंट्री समझेंगे जो आपको नोटबुक में लिखनी है, और दूसरे वाले पॉइंट में जब हम करेंगे तब सम्स करने वाले हैं। तो बच्चा सबसे पहले ये जो इलस्ट्रेशन है वो तो पुराना है तो वो हम यहाँ से मिटा देते हैं, वो अभी सीक्वेंस में आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। व्हेन ओन डिबेंचर आर परचेज, जब आप अपने ही डिबेंचर परचेज करते हो तो आप बोलोगे सर कोई भी चीज परचेज करेंगे तो पैसे जाएंगे, और ये सारे ट्रांजेक्शन बैंक थ्रू ही होने वाले है, चेक ही थ्रू होंगे, तो आपको बैंक अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, वो ध्यान में रखना है। यहाँ टॉपिक है व्हेन द डिबेंचर आर परचेज फ्रॉम इमीडिएट कैंसिलेशन, इमीडिएट कैंसिल कर देंगे तब की बात है। व्हेन द कंपनी परचेज इन ओपन मार्केट, अपने ही डिबेंचर कंपनी परचेज करेगी ओपन मार्केट में। व्हेन कंपनी परचेज ओन डिबेंचर ओपन मार्केट, यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो ओन डिबेंचर, आपको समझने के लिए ओन डिबेंचर परचेज इन ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट में जब भी आप परचेज करोगे तो पहला पॉइंट होगा ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा टू बैंक अकाउंट, क्या करेंगे बच्चा बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पैसे जा रहे हैं और इनडायरेक्टली आप परचेज कर रहे हो डिबेंचर, तो डिबेंचर परचेज करोगे तो डिबेंचर ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे, क्लियर है। दूसरे में आगे चलते हैं, डिबेंचर परचेज एट लेस एज कंपेयर टू फेस वैल्यू, तो कहने का मतलब वो है कि चीज है 100 की और हमने परचेज किया है 98 में, तो आपको 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो वही लिखा हुआ है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो बच्चा ये जो पॉइंट है ये ध्यान में रखना है, ये कैंसिल भी बोल सकते हैं, तो कैंसिल जब भी आप करोगे तो ये कैंसिल की एंट्री है, लेकिन मैंने ये इसलिए लिखवा है क्योंकि प्रॉफिट वाला पॉइंट था इसलिए। तो इनडायरेक्टली आपने अपने डिबेंचर के सामने वो कैंसिल कर दिया जो डिबेंचर परचेज किया है वही पॉइंट को, तो आप बोलोगे डिबेंचर अकाउंट सर डेबिट होगा ओन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, जो यहाँ पे डेबिट था ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा और प्रॉफिट हुआ, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट ये रिडेम्पशन की वजह से आपको कम प्राइस में अपने डिबेंचर परचेज करके आपने कैंसिल कर दिया। अभी थर्ड जो एंट्री है ये जो प्रॉफिट वाली है उसकी बात है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तब की बात है। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन अकाउंट ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो ये जो प्रॉफिट यहाँ पे क्रेडिट था तो ये डेबिट हो जाएगा और कैपिटल रिजर्व में अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये बात थी, ये दोनों एंट्री हर बार चेंज होती रहेगी क्योंकि ऐसा भी हो सकता है लॉस भी होगा जो भी आगे जाके होने वाला है। तो यहाँ पे लिखता है व्हेन डिबेंचर आर परचेज मोर देन प्राइस एज कंपेयर टू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, समझ में आ रहा है। तो अभी हम जो डिबेंचर जो सेल कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर सेल नहीं परचेज, परफेक्ट बच्चा, परचेज कर रहे हैं वो हम कम प्राइस में परचेज कर रहे हैं। तो कम प्राइस में जब भी आप परचेज करोगे तो आपको वो क्या ध्यान में रखना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे फिर अब नया पॉइंट शुरू करते हैं बच्चा। तो यहाँ पे जो आप बोलोगे व्हेन डिबेंचर आर परचेज एट मोर प्राइस कंपेयर टू फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, तो आप बोलोगे सर 100 रुपीज की प्राइस है और आप परचेज कर रहे हो 120 में, तो ये इनडायरेक्टली आपका लॉस होगा। तो बच्चा पहले तो एंट्री ये सेम होगी, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तो सेम होगी, लेकिन क्रेडिट क्या करोगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू ओन डिबेंचर अकाउंट, तो यहाँ पे वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चा। तो यहाँ पे क्या रखना है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन डिबेंचर लॉस ऑन रिडेम्पशन अकाउंट लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा ओन डिबेंचर अकाउंट। अभी ये जो लॉस है वो ट्रांसफर कहाँ कर सकते हैं, तो आपने जो अब तक प्रॉफिट किया है वहां ट्रांसफर कर सकते हो, या आप बोलोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, ये हो सकता है जो सपोज प्रॉफिट है तो,
सब में कुछ नहीं बोला तो बाद में हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बच्चा ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा, सम्स करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से पहले ये लिख लेना है, अच्छी तरह लिखना तो आपको बहुत ईजी रहेगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत सिंपल पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट भी इतना ही है, तो प्रॉपर देख लेते हैं। बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल सम के साथ।